नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पीएनआर न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मणियार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 घोषित हो चुके हैं, साथ ही मुलुंड विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए नामांकन पर्चा नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने की प्रक्रिया 4 अक्टूबर 2019 दोपहर 3 बजे तक पूरी हो चुकी है। मुलुंड विधानसभा क्षेत्र में कुल 15 लोगों ने चुनाव पर्चा दाखिल किया है, जिसमें 2 लोगों ने 2 पर्चे दाखिल किए हैं। ईशान्य मुंबई, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार प्रचंड मताधिक्य से जीतने वाले हैं। तकरीबन 220 के ऊपर सीटें हम पूरे महाराष्ट्र में जीत रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से चली है, जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई के ऊपर है और मुझे पूरा विश्वास है इसके चलते मुलुंड हो, भांडुप हो, विक्रोली हो, घाटकोपर, ईस्ट वेस्ट और इस बार शिवाजी नगर भी हम जीतने वाले हैं। 6-0 से हम ईशान्य मुंबई की 6-6 से जीत रहे हैं। तारा सिंह जी ने मुलुंड की जितनी सेवा की है उतनी किसी राजनेता ने नहीं की है। तारा सिंह की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद में मिहिर जी से मिले, उनके गले लगकर उनका आशीर्वाद मिहिर जी ने प्राप्त किया है और तारा सिंह के नेतृत्व में ही हम मुलुंड का चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जो काम की श्रृंखला तारा सिंह जी ने मुलुंड में आगे बढ़ाई है उसको मिहिर कोटेचा बिल्कुल आगे ले जाएगा। नमस्कार, मी केशव मधुकर जोशी, 155 मुलुंड विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवारी करीत आहोत। माझी एवढीच इच्छा आहे की जी जनतेची कामं आहेत त्याच्यासाठी ती लवकरात लवकर कशी होतील याचा पूर्णतः प्रयत्न करणे आणि तुम्ही जर मला साथ द्याल तर तुमच्या जेवढ्या समस्या आहेत त्या निवारण करण्यासाठी मी पुरेपूर प्रयत्न करेन। जैसा कि पिछली बार आप बडाला से लड़े थे तो वहाँ पे बहुत कम अंतराल पे आपको जो है हार मिली थी, इस बार फिर से मुलुंड से एक बार आपको टिकट मिली, क्या कहना सर आपको? पक्ष के लिए 27 साल से काम कर रहा हूँ, जन सेवा के कार्य में हूँ, बडाला हो या मुलुंड हो, मिशन तो जन सेवा ही है। जी देखा जाए तो जैसे कि इस बार बहुत लेट टिकट डिक्लेयर हुआ है और बहुत कम समय मिला है, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? मुलुंड मेरा जन्म स्थान है, पूरी जिंदगी मेरा ये कार्य क्षेत्र रहा है, तो इधर 14 दिन हो या 7 दिन हो तैयारी करने को 24 घंटे लगे। जी बात करें तो सिटिंग MLA सरदार तारा सिंह जी आपके पूरे इस चुनावी प्रचार सभा में आपके साथ में दिखाई नहीं दिए, यहाँ तक कि पर्चा दाखिल करने के लिए भी आपके साथ नहीं, क्या वजह है? सरदार तारा सिंह जी ये मेरे पिता तुल्य है, हम सभी के मेंटर रहे हैं, मुलुंड में उनके कार्य का पर्चा कभी नीचे नहीं रहेगा, वो हमेशा बुलंद ही रहेगा और उनका आशीर्वाद हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आज भी वो आने वाले थे, कोई कारणवश नहीं आए होंगे, बाकी मेरे प्रचार में तारा सिंह जी मेरे साथ हमेशा रहे। मुलुंड विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रेस में एक ऐसे भी उम्मीदवार है जो पिछले 25 वर्षों में जिन्होंने हर एक इलेक्शन लड़ा है, चाहे आमदार की हो, चाहे खासदार की हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव हो, श्री संजय देशपांडे जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से गोविंद सिंह जी। मुलुंड के लोगों को बदलाव होना चाहिए और चाहते हैं सब लोग तलाश। गोविंद सिंह जी, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी आपके विरोध में पर्चा दाखिल किया है, क्या आप उनको मना पाएंगे? नहीं, कोई विद्रोह नहीं, हम मान जाएंगे। आज मुलुंड विधानसभा 155 से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार गोविंद सिंह जी के साथ हम यहाँ पर आए हैं फॉर्म भरने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता को यहाँ पर टिकट दी है, गोविंद सिंह जी की बहुत बड़ी सेवा है पार्टी के लिए और मुलुंड की जनता के लिए, क्लीन इमेज है, निष्ठावंत है और मैं समझता हूँ कि मुलुंड की जनता कांग्रेस के स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को जरूर वोट देगी,
मुलुंड की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा उम्मीदवार दिया। मुलुंड कांग्रेस जिंदाबाद। मी आज निवडणूक लढवत आहे, काय मुलुंडसाठी विकासाचे मुद्दे आहेत? मुलुंडसाठी भरपूर काही। मी पहिलं, माझं नाव हर्षला राजेश चव्हाण। मुलुंड विकासासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मी लढते। तर मुलुंडचे विकास करण्यासाठी भरपूर काय, जसं आता तुम्ही पाहिलं असेल आपलं रुग्णालय आहे बेस आग्रा रोड, ते पण आता म्हणजे मनसेमुळेच ते आता त्याचं रिनोव्हेशन वगैरे सगळं करतायत। परत लहान मुलांसाठी गार्डन, मुलुंडमध्ये फिरला असेल तर लहान मुलांसाठी गार्डन्स वगैरे नाही आहे, सुचनच्या म्हणजे अशी लायब्ररी अशी नाही आहे व्यवस्थित, तर ते सगळं करण्याचा विचार आहे। नमस्कार, मुलुंड मतदारसंघ 155 से आपने फॉर्म अभी भी भरा है, आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए और एजेंडा क्या है आपका? मेरा नाम शशिकांत रोहिदास मोकल है, मैं मुलुंड विभाग में रहता हूँ। कहना यही है कि माननीय बाला साहब अम्बेडकर, इनके वंचित बहुजन आघाड़ी से मेरे को उम्मीदवारी दी गई है। हर टाइम हर मतदार का कहना रहता है कि कोई गरीब उम्मीदवार देना है, तो बाला साहब ने जो गरीब उम्मीदवार है और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो सब समूहों को एक लेके चलना है, इसके लिए मेरे को जो पार्टी ने विश्वास दिखाया है, वो विश्वास के लिए मैं आज मुलुंड से 155 से लड़ना चाहता हूँ और मैंने आज ही फॉर्म अर्ज भरा है। आपका सबका सहयोग चाहिए। मैं मुलुंड वासियों को कहना चाहता हूँ कि सबका विकास जो करने वाले हैं पुराने आमदार, उनका मैं वारसदार हूँ, मैं उनका वारस लेके चलना चाहता हूँ और मुलुंड का आमदार आप मेरे को बनाएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आप जीत के आएंगे तो आप पब्लिक के लिए क्या क्या करेंगे? जीत के आने के बाद में अपने मुंबई में और मुलुंड में महाराष्ट्र शासन का अच्छा से अच्छा दवाखाना रहेगा, जिसमें लोगों को सुविधा चाहिए वो मिलेगी। हमारा पार्टी का जो है कि जो 12 घंटा जो पुलिस काम कर रही है, वो पुलिस 8 घंटा काम करे, उनको भी परिवार है। दूसरा बात है कि जो आदमी दिन रात कमाता है, उसका आधा खर्चा उसके बच्चे पे खर्चे पे जाता है। तो कहना यही है कि हमारे बाला साहब ने कहना है यही है कि महाराष्ट्र सरकार का, हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी का अगर आएगा, सब लोगों ने हमको वोटिंग किया, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चीन के आने के बाद में हम केजी से पीजी तक जो शिक्षा है वो मुफ्त देना चाहते हैं। इसके लिए सभी मतदाताओं को मेरी विनती है कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी गैस सिलेंडर को मतदान करें। मेरा नाम आनंद यादव है और मैं वंचित बहुजन आघाड़ी भारी बहुजन महासंघ का मुंबई कन्वेनर हूँ। हमारा एजेंडा यही है कि जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित पिछड़े और जो वंचित समूह के लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। जैसे कि आज जो बलुतेदार वर्ग जो है, उन्हें आज तक कोई किसी पार्टी ने उम्मीदवारी नहीं दी थी। ये पार्टी ऐसी है कि यहाँ पे पूरे मुंबई में देख सकते हैं आप कि जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं, उन लोगों को पार्टी ने उम्मीदवारी दी है और सबसे ज़्यादा जो युवा है उन्हें उम्मीदवारी दी है। और उसका ये जो है वो आपके सामने है, शशिकांत मोकल जैसा गरीब कार्यकर्ता जो है, उनको हमने उम्मीदवारी दी है। और आपका एजेंडा क्या है? KG to PG जो एजुकेशन है वो फ्री होने चाहिए। यहाँ के जो गरीब जो भी लोग हैं उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए। और जो महिला है, महिला यूथ सबको समान सम्मान एक साथ होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रसाद शर्मा, मैं वंचित आघाड़ी का एक कार्यकर्ता हूँ। और अभी तक देखा गया है कि आज तक जो चुनाव लड़े और आमदार बने, वो पेवर ब्लॉक लगाते लगाते थक गए, बूढ़े हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल गरीबों के लिए जो मुफ्त होगा, जिसमें सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन्स और स्कैनिंग मशीन, सिटी स्कैन मशीन्स जो इधर कम है, ना के बराबर है, वो रहे। नाउर ब्रिज वाइडन करके ट्रैफिक कंजेशन कम करे, और एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज मुलुंड इससे वंचित रहा है। बहुत सारे कॉलेज, गवर्नमेंट का कोई एक ऐसा अच्छा कॉलेज नहीं जहाँ पे हमारे बच्चे जाके आगे पढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में जो भी उम्मीदवार जीत के आए, उनका ये प्रायोरिटी रहना चाहिए। आम्बेडकरी पार्टी ऑफ इंडिया से गौरवा नायकिले, जन अधिकार पार्टी से नीरज चौहान,
सालू पवार निर्दलीय, रिटायर्ड कमांडर सदानंद मानेकर निर्दलीय, नंद कुमार सिंह निर्दलीय, मीना सुतारकर निर्दलीय, श्रीरंग कामले निर्दलीय। अब जानते हैं शनिवार 5 अक्टूबर 2019 को किन दो उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया। बहुजन समाज पार्टी से संतोष अड़सुल जी, इनका पर्चा खारिज हुआ है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने जो कांग्रेस पार्टी के नाम से पर्चा दाखिल किया था वो खारिज हुआ है, लेकिन उनका निर्दलीय पर्चा एक्सेप्ट किया गया है, मान्य किया गया है। इस तरह मुलुंड विधानसभा क्षेत्र में आज की तारीख में 14 उम्मीदवार है। फाइनल लिस्ट 7 तारीख शाम को 6 बजे मिलेगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए।